नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे स्टमक के कैंसर की। स्टमक एक बैग शेप्ड ऑर्गन है जहाँ पर हमारा खाना जो हम खा रहे हैं वो जाकर स्टोर होता है इनिशियली, यानी कि जैसे जैसे आप खाना खाते जाते हैं ये इस बैग में खाना इकट्ठा होता है, और जब स्टमक फुल हो जाता है तब हमें लगता है कि अब हमारा पेट भर गया है और हम खाना खाना बंद कर देते हैं। सो ये पहला ऑर्गन है जहाँ खाना इकट्ठा होता है पहले कुछ घंटे के लिए, और ये भी एक रीज़न है कि इस ऑर्गन के कैंसर जो हैं वो कुछ कॉमन है, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली स्टमक में जाकर हिट करता है। स्टमक के अलग अलग हिस्सों के कैंसर्स अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट कारण की वजह से कॉमन है। किसी कंट्रीज़ में कुछ एरिया का कैंसर ज़्यादा कॉमन है और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट एरिया का कैंसर ज़्यादा कॉमन। इसके कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको भूख कम लगना, एसिडिटी ज़्यादा होना, वेट लॉस होना, आपको बार बार उल्टी आना, कई बार उल्टी में खून आना, डार्क स्टूल्स आना, अपर एब्डोमेन में पेन रहना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। स्टमक कैंसर क्यों हो जाता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी भी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी इसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि वो लोग जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, वेट का ज़्यादा होना, कुछ इन्फेक्शन जैसे एच पैलोरी इन्फेक्शन बार बार स्टमक के अंदर होना, एसिड ज़्यादा बनना, एसिड का रिफ्लक्स होना, हाई साल्ट फूड यानी कि जिस वो फूड जो बहुत हाई इन सॉल्ट है उससे भी स्टमक का कैंसर देखा गया है। इसके अलावा कई सारे जेनेटिक्स कंडीशंस हैं जिसमें स्टमक का कैंसर होने का कंडीशन ज़्यादा रहता है, और अगर आपकी फैमिली में किसी को सीए स्टमक की हिस्ट्री है तो आप अपने आप को इवेल्यूएट ज़रूर कराइए कि वो रिस्क आप में है या नहीं। सो अपना रिस्क स्टमक कैंसर का कैसे कम कर सकते हैं, हेल्दी खाना खाइए, अपना डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की क्वांटिटी अच्छी रखिए, स्मोकी फूड और ज़्यादा सॉल्टी फूड को अवॉइड कीजिए। अगर आपको एच पायलोरी इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ है तो उसकी दवाई लीजिए, और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो डॉक्टर से सलाह कीजिए कि क्या हमारी फैमिली में जो हिस्ट्री है उसका रिस्क आपको हो सकता है या नहीं। इसके साथ ही अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो उसे कम कीजिए या बंद कीजिए, उससे भी ये रिस्क कम हो सकता है। इसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई सारे टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में मुंह के थ्रू एक वीडियो कैमरा डालकर स्टमक के अंदर देखा जाता है, और अगर उसके अंदर कोई ग्रोथ नज़र आती है तो डॉक्टर्स उसके सस्पिशन के बेस पर उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसे बायोप्सी बोलते हैं, और उसे टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कंफर्म करने के लिए ये कैंसर है या नहीं। इसके अलावा और इमेजिंग टेस्ट हैं जैसे कि पेट का सीटी स्कैन, जिससे भी ये बीमारी देखी जा सकती है। इसका इलाज कैसे होगा, जब इसका डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया जाता है उसके साथ ये भी कंफर्म किया जाता है कि ये जो कैंसर है इसका टाइप क्या है। स्टमक के अंदर का जो कैंसर है ये कई टाइप्स का हो सकता है, और उस पर भी ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से इलाज किया जाएगा। एंड सेकेंडली ये देखा जाता है कि इसका स्प्रेड कितना है, यानी कि इसकी स्टेज क्या है, क्या ये बहुत अर्ली स्टेज है कि स्टमक के अंदर की वॉल के तक ही सीमित है, या ये स्टमक से निकलकर बाकी हिस्सों में भी फैल गया है। तो इस सब के चलते कई सारे डॉक्टर्स का बोर्ड बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर केस में हमें किस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट को अपनाना है। स्टमक कैंसर की कई फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं जिनमें मेनली इसकी सर्जरी, यानी कि स्टमक का वो हिस्सा जिसमें कैंसर है या लगभग सारे स्टमक को रिमूव किया जाता है, उसके जो आसपास के लिम्फ नोड्स हैं उन्हें रिमूव किया जाता है ताकि जो कैंसर का जो मेन बल्क है, या अगर वो अर्ली स्टेजेस में है तो पूरा का पूरा कैंसर का टिश्यू हम रिमूव कर लें, और उसके साथ साथ का कुछ जो नॉर्मल टिश्यू है उसे भी रिमूव कर लें। ये ऑपरेशन ओपन सर्जरी से भी किया जा सकता है, ये अब दूरबीन से भी किया जा सकता है, और रोबोटिक सर्जरी से भी इसे कर सकते हैं। सर्जरी के अलावा रेडियोथेरेपी एक और ऑप्शन है, जिसमें कि रेडियो वेव्स की किरणों से भी इस कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है, और कीमोथेरेपी जिसमें कि हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जैसे जो कैंसर को कम करने वाली दवाइयाँ हैं उन्हें देते हैं ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे पेशेंट्स में इन मोडालिटीज़ को कंबाइन किया जाता है, यानी कि आपको हो सकता है तीनों चीज़ें दी जाएं, किसी में पहले एक सर्जरी करके फिर बाकी चीज़ें की जाएं, कई कंडीशंस में पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देकर बाद में ऑपरेशन कर सकते हैं। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कैसा कैंसर है, उसकी स्टेज क्या है, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं या आपको ये बीमारी का डायग्नोसिस बनाया गया है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इसके अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में बात कर सकते हैं, और जो भी बेस्ट प्लान आपके लिए है उसे अडॉप्ट कीजिए। घबराइए नहीं, स्टमक कैंसर्स अब काफ़ी हद तक क्योर किए जा सकते हैं। थैंक यू।